सो वेरी वेलकम टू माई चैनल। सो आज हो गया आपका 29th 30 मार्च, आज रात में नहीं तो कल मॉर्निंग में आपका रिजल्ट आने वाली है किसका, तो सैनिटरी का। अभी तक देखिए जो लास्ट अपडेट है 29 तारीख का है, इंटरव्यू कॉल लेटर गया है किसके लिए, ये आपका लेक्चरल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद कल 28 तारीख को आपको फिर से एक रिवाइज आंसर की दिया आपका सैनिटरी का, ठीक है। इस रिवाइज आंसर की में देखिएगा प्रीवियस रिवाइज आंसर की से एक चेंजिंग हुआ है। आप जीएस पेपर में देखिएगा एक क्वेश्चन को आप डिलीट कर दिया है, ठीक है। जीएस पेपर में एक क्वेश्चन का, पहले 2 क्वेश्चन डिलीट हो रही थी, अब कितने डिलीट हो गया, 3 क्वेश्चन डिलीट हो गया। किसमें? ईवीएस जीएस पेपर में। जीएस पेपर में कितने क्वेश्चन अब डिलीट हो गए? टोटल 3। पहले ऑलरेडी था आपका 2 क्वेश्चन, अब हो गया टोटल 3 क्वेश्चन डिलीटेड। और उसमें देखिएगा, उसमें सेम है, ठीक है। इसमें 2+1 टोटल कितने हो गए, इसमें 3 क्वेश्चन आप डिलीट हो गए। और जब इसमें देखिएगा टेक्निकल पेपर में, तो उसमें आपका सेम टू सेम ही रह गया है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। जितना पहले डिलीटेड था वही 3 का 3 ही इसमें डिलीट है, ठीक है। अब देखिए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है। देखिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लिए हैं, ये आपका जो भी क्वेश्चंस दिख रहा है ये सेट सी का है, और आपके बगल में लिखा हुआ है आपका बाकी सेट का भी, हम लिख दिए कि कौन से सेट में कितना नंबर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन सेट नंबर सी का है जीएस पेपर में, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सी। और सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा सेट ए में 36 नंबर क्वेश्चन, सेट बी में मिलेगा आपको 46 नंबर क्वेश्चन, सेट डी में मिलेगा आपको 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यह है सेट ए का 36 नंबर, सेट बी में 46 और सेट डी में 26। सेट सी में कौन सा नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक नंबर है। क्वेश्चन था विच इज नोट द रूलिंग पार्टनर ऑफ एनडीए इन बिहार, ठीक है। तो ऑप्शंस दिया हुआ था आरजेडी, हम, बीजेपी, एनजेडीयू, मींस बिहार के एनडीए की सत्ता दल में कौन हिस्सेदार नहीं है। तो जब एग्जाम हुई थी, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे एनडीए बताइए ब्रेक हो गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का वैसे आंसर कौन सी होनी चाहिए था, आरजेडी, और करेक्ट भी हुआ था, ठीक है, आरजेडी करेक्ट भी हो रहा था। बट इस बार क्या हो गया था कि ये सब इसी के साथ आ गया है, हम, जेडीयू, बट बीजेपी अलग हो गया था, इसीलिए इसको डिलीट किया गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये डिलीट हुआ है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा जो डिलीट हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 10, सेट सी में देखिएगा, सीरीज सी में, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। सेम क्वेश्चन देखिएगा सेट ए में 45 नंबर है, सेट बी में है 5 नंबर, ठीक है, और सेट डी में है 35 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस था विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द लैंड रिसोर्सेज, ओके। इसमें देखिएगा हिंदी में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, जिसमें से ऑप्शन था आपका ए फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कंपोजिशन ऑफ लैंड, लोकेशन ऑफ लैंड और ऑल ऑफ एवब। पहले जो करेक्ट किया था ऑल ऑफ एवब, ठीक है, ठीक है, पहले करेक्ट कौन सा था, डी। अब क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी जो आंसर के रीजन दिया, कह रहा है कि यह नोट नहीं होगा। डैट मीन्स क्या हुआ कि जितने भी ये फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे सब इसके अंदर ही आता है, लैंड रिसोर्स के अंदर। डैट मीन्स वह क्वेश्चन से इनका गलत है, डैट मीन्स ये हो गया, तो इससे क्वेश्चन नोट नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन में। डैट मीन्स विच अमंग द फॉलोइंग डज कम अंडर द लैंड रिसोर्सेज, तब होता आपका आंसर डी। ये बीपीएससी का रीजन है, डैट मीन्स इसलिए इस क्वेश्चन को भी क्या किया गया, डिलीट किया गया। तो 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका जो डिलीट हुआ है सेट सी में देखिएगा, सेट सी का तो क्वेश्चंस नंबर 121 होता है, और आपका सेम क्वेश्चन सेट ए में देखिएगा 80 नंबर, सेट बी में देखिएगा 99 और सेट डी में देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चंस आती है। क्वेश्चंस है द क्लियर स्काई, ठीक है, लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ, आसमान, साफ आसमान किस कारण से नीला दिखता है, ठीक है, तो उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ था डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। बट जो बीपीएससी आंसर कह रहा है वो कह रहा है स्कैटिंग ऑफ लाइट के वजह से, ठीक है, स्कैटिंग ऑफ लाइट के वजह से आपका आसमान क्या है, नीला ब्लू दिखता है, ठीक है। तो इसलिए रीजन से, चूंकि ऑप्शन से नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है। तो इस तरह से हमारा जीएस पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने डिलीट हो गए, 3। तो 3 मतलब क्या हुआ, 3 × 0.8 डैट मीन्स 2.4 मार्क्स, ठीक है, कम हो गया। ये था आपका जीएस पेपर का। इसके बाद है पेपर 2 में जो है लिक्विड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल पेपर। टेक्निकल पेपर
इसमें देखिएगा जो चेंजिंग तो कोई नहीं हुआ है, पर डिलीट कौन कौन सा हुआ है। देखिए सेट सी का क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सेट ए में 30 नंबर क्वेश्चन, सेट बी में 55 और सेट डी में 125 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन था पहले, द टिपिकल डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब इन सीटू ऑफ द वेल कंपैक्टेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल इज इन द रेंज ऑफ, ऑप्शंस दिया हुआ था 500 to 850, 900 से 1100, 100 से 300, डी में था 310 to 500। करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए क्या, इन माय ओपिनियन बी नंबर करेक्ट अभी भी होना चाहिए, और आंसर क्या होना चाहिए बी। बट बीपीएससी क्या किया है, इसको डिलीट कर दिया है, उन्होंने रेंज बता दिया 400 समथिंग से 1100 तक, कह रहा है कि दो ऑप्शंस उस रेंज के अंदर आ जा रही है। ठीक है, दो ऑप्शंस राइट मीन्स कौन कौन सा ऑप्शंस आ जाएगा आपका, ए और बी उस रेंज के अंदर आ रहा है 400 से, कह रहा है 400 से 1200 के बिटवीन में शायद होता है डेंसिटी। बट एक बुक निकला था, आप देखिएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड लिक्विड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट करके, सी के शर्मा करके, ठीक है, एक बुक निकाले थे ये इसी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें देखिएगा पेज नंबर 69 में जाइएगा तो आपको उसमें क्लियर कट यही आंसर दिया हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है, आप देखिएगा तो वहाँ पे आंसर दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर की। करेक्ट, तो आइदर ये बुक गलत हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो मेरा खासकर हम बुक से पढ़ के गए थे तो हम मार के आए थे बी नंबर ऑप्शन, ठीक है पहले, बट बीपीएससी आंसर दिया था शायद डी नंबर आंसर करेक्ट किया, तो उस टाइम पे भी मेरा गलत था, बट अब तो डिलीट ही कर दिया। बट सी के शर्मा के बुक में पेज नंबर देखिएगा 69 पेज नंबर में जाइएगा तो आपको क्लियर कट में मिल जाएगा वहाँ पे कि आपको लिखा हुआ वहाँ पे है 10000 kg पर मीटर की। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन पब्लिकेशन प्रकाशन का है, उसमें से आप देख सकते हैं जाके। तो अभी इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। तो एक ये क्वेश्चन हुआ, सेकेंड क्वेश्चन इसमें जो डिलीट हुआ है सेट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 97 है, क्वेश्चन था द WHO हैज क्लासिफाइड द बायोमेडिकल वेस्ट इनटू द कैटेगरीज, मतलब अकॉर्डिंग टू WHO जो वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट है उसको कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीएससी आंसर वो बता रहे हैं 8 कैटेगरीज, कितने बता रहे हैं 8 कैटेगरी जो मॉडिफाई किया था, यहाँ तो ऑप्शन है नहीं 3, 2, 1, 4, बट मैंने मार के आया था 4, तो पहला आंसर किसे ही आपका करेक्ट हो रहा था। रीज़न क्या है, देखिए क्वेश्चन तो गलत है ये तो पता चल गया, और ये क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएगा सेट ए में 39 नंबर क्वेश्चन है, सेट बी में 64 नंबर मिलेगा और सेट डी में आपको 9 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO जो मैंने पढ़ रखा था हमारे नोट्स में वो 10 लिखा हुआ है, पता नहीं ये कब की डेटा है, बट हमारे जो नोट्स में लिखा हुआ अभी भी 10 लिखा हुआ है। और उसमें है कलर होती है जो, जब हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट जब भी हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में जाइएगा तो 4 कलर का कंटेनर होता है, उसमें अलग अलग वेस्ट को हम लोग रखते हैं, तो ये होता है 4 जो कलर होती है कंटेनर का, उसके लिए हम लोग 4 कलर यूज़ करते हैं, और जो आपका क्लासिफाई होता है 10 कैटेगरीज में होती है, बट ये बीपीएससी कह रहे हैं 8 कैटेगरीज, तो दोनों तो कोई भी होगा आंसर, तो फाइनली क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गए चूँकि क्वेश्चन रॉन्ग है। लास्ट क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है आपका सेट सी में है, क्वेश्चन नंबर 123, ठीक है सेट सी का, और सेम क्वेश्चन देखिएगा सेट ए में 65, सेट बी में आपका है 90, सेट सी में है 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन था कंपोस्टिंग एंड लैंग्लिनिंग आर टू द मेथड्स ऑफ, इस तरह के एक ऑप्शन था, तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बीपीएससी इस क्वेश्चन का आंसर कह रहे हैं वो कि आपका ये आंसर इसमें है ही नहीं, ऑप्शंस जो ऑप्शंस होनी चाहिए वो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। कोई ऑप्शन दिया हुआ था सलज डिजिनेशन, सीवेज डिस्पोजल, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, तो इस तरह से 4 ऑप्शन था, बट अकॉर्डिंग टू बीपीएससी कह रहा है कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हुआ था, डिलीट हुआ था। बट मैंने मार के आया था जो मेरा करेक्ट हो रहा है, पहले आंसर से जो भी आंसर था मेरा करेक्ट हो रहा है, बट आप डिलीट कर दिया, तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन कितने डिलीट कर दिया है, 3+3, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले भी 2 क्वेश्चन था, टोटल 5 क्वेश्चन पहले से डिलीट था, अब एक और बढ़ गया। अच्छी तो पहले आपका 245 क्वेश्चन थी, आप कितने हो जाएगा 244, पहले इट से मल्टीप्लाई करिएगा तो पहले 196 आ रही थी, अब 0.9 और घटा दीजिए, डैट मीन्स कितना होगा 95.2, जो आप जो भी रिजल्ट आएगी आउट ऑफ 195.2 मार्क्स पे रिजल्ट आने वाली। ठीक है, वैसे भी रिजल्ट का डेट कल का ही है और सबका चांस है कि आपका रिजल्ट कल ही दे देगी, क्योंकि जो देख रहे हैं अपडेट
पीपीएससी का आप लोग भी देख सकते हैं कितने अपडेट हो रहा है, तो उसी अनुसार आपको रिजल्ट दे देगी वो। पहले हम बताए थे कि अगर कोई फिर से ऑब्जेक्शन करते हैं तो डील कर लेगा बीपीएससी, तब डिले करेगा कि 5 अप्रैल से पहले रिजल्ट आपको देगा ही किसी हर हाल में, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है आपको, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का पोल हुआ था, आप देखिए कट ऑफ का क्या हाल है, एक बार देख लीजिए। कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, जस्ट पोल का रिजल्ट देख लीजिए क्या हाल है। एक हफ्ते हुए है ना, एक हफ्ते में जब लास्ट वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताए थे 200 वोट हुआ था, ठीक है। कितने हुआ था? 200 वोट। आप 3 डेज और हो गया उसके बाद, 4 डेज पहले की बात कर रहे हैं, 3 डेज आफ्टर देखिएगा। अभी तक टोटल वोट इसमें कर दिया आपका 233। कितने किया है? 233, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा टोटल वोट है 233। तब पहले देखिएगा वोट हुई थी तो ये वाला परसेंटेज ज़्यादा थी, 39% से ज़्यादा हो गया था, 39% जिनका मार्क्स मोर देन 131 मार्क्स आ रहा था, इधर मेल या फीमेल कैटेगरी। बट अब क्या हुआ है, 131 पे जैसे गया था आपका ये कैटेगरीज जिनका मार्क्स 111 से 130 के बीच में है, मेल कैंडिडेट उसका मार्क्स कितना है, 42%। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आपका जो कट ऑफ रेंज है ना वही 130 है, ठीक है। जिनका भी नंबर 130 के आसपास है, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हो कि आपका सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो आपका कट ऑफ, आपके कल रिजल्ट आने वाली है तो आप चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। अब यही फाइनल आंसर कि आप तो चेंज नहीं करने वाली है, पक्का हो गया कि लास्ट अपडेट है इनका। आप चेक कर लीजिए आपका स्कोर, अगर आप 128 से 132 के बिटवीन में है, क्योंकि आप डिलीट हो गया क्वेश्चंस, देन भी आप सेफ जोन में हो, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो।